आज मैं आपको बोरॉन के ऊपर कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो डेफिनेटली आपको नहीं पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, आपको ये तो पता ही है एटॉमिक नंबर 5 है और इसका सिंबल भी है। तो अब इसे कब ढूंढा गया था? तो इसे ढूंढा गया था 1808 में। ओके, 1808। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसे किसने ढूंढा। ये तो पता चल गया कब ढूंढा, लेकिन किसने ढूंढा? तो इसे ढूंढा था सर हम्फ्री डेवी एंड जोसेफ लुइस गे लुसेक। बहुत ही अजीब नाम है थोड़ा सा, लेकिन तभी इन दोनों ने मिलकर इसे ढूंढा था। बोरॉन एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट है, मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज से भरा। तो अब आते हैं हम लोग इसकी आगे के पार्ट्स पे। तो हम लोग को पता होना चाहिए इसका एटॉमिक कॉन्फिगरेशन। तो इसका एटॉमिक कॉन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p। ओके, तो इसका मतलब भी आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके 1s ऑर्बिटल में है, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके 2s ऑर्बिटल में, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके 2p ऑर्बिटल में है। ओके, अब इसकी रेयर के ऊपर हम लोग चलते हैं। रेयर, तो इसके अंदर रेयर क्या है? तो अर्थ की क्रस्ट में कितना परसेंट पाया जाता है? ये 0.01% पाया जाता है। अच्छा खासा रेयर है। पहले के जो हमने एलिमेंट पढ़े थे उतना भी नहीं, लेकिन तब भी अच्छा खासा रेयर है। कुछ और बताऊं तो सुपरनोवा ओरिजिन्स, इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सुपरनोवा। हाँ, आपने सही सुना, ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन की मदद से ओरिजिन हुआ था इसका। फिर बोन हेल्थ, ये हम लोग की बोन्स की हेल्थ में भी बहुत काम आता है। क्या आपको ये फैक्ट पता था? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे। तो प्रॉपर्टीज में पहले मैं इसकी अपीयरेंस बताऊंगा, ये दिखता कैसा है। तो अपीयरेंस में ये एक रॉड थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड डार्क है, ब्राउन, डार्क ब्राउन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। डार्क भी है, ब्राउन भी हल्का सा, और हार्ड भी है, साथ ही साथ ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो आप इसका स्ट्रक्चर समझ ही गए होंगे कि ये थोड़ा क्रिस्टलाइन जैसा होता है, और हार्ड और डार्क। तो अभी आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया। इसकी डेंसिटी के ऊपर बातें करते हैं। तो डेंसिटी इसकी हम लोग ले सकते हैं 2.46 एक यूनिट होती है जिसे हम लोग GCM3 ऐसे करके ये यूनिट है, इसके अंदर इसे नापेंगे। ओके, तो ये यूनिट है और इसका यूनिट का नाप है 2.46। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जान लेते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, पहले हम लोग मेल्टिंग पॉइंट जानेंगे जो कि है 2300 सेल्सियस, और फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट 3900 सेल्सियस। ओके, अब हम लोग को इसका कुछ और फैक्ट्स जानने होंगे। ये प्रॉपर्टी इतनी ही नहीं है, इसकी बहुत सी प्रॉपर्टी है। तो आगे अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी तो इसकी बहुत पुअर है, लेकिन अगर ये थर्मल कंडक्टिविटी की बात आती है तो ये बहुत अच्छी कंडक्टिविटी है। हाँ, तो अच्छी खासी प्रॉपर्टीज तो आपको मैंने बता ही दी है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने यूजर्स की ओर। तो यूजर्स में मेरे पास है बोरॉन फाइबर, बोरॉन कार्बाइड, रॉकेट फ्यूल और फ्लेम रिटार्डेंट्स। तो इतने सारे ये हैं। पहला यूजर्स है बोरॉन फाइबर। बोरॉन का एक तरह का फाइबर बनता है जो कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स और इन सब में काम आता है। बोरॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड भी एक तरीके का मेटल टाइप का है, वो भी कुछ रिएक्शंस के बाद उसे बनाया जाता है। ये पानी के साथ बहुत ही अच्छा रिएक्शन भी करता है। और फिर हम आ जाते हैं रॉकेट फ्यूल के ऊपर। रॉकेट फ्यूल तो आप जानते होंगे, रॉकेट के अंदर एक फ्यूल यूज होता है जिससे रॉकेट की स्पीड बहुत तेज हो जाती है और वो जाके फट जाता है। तो वही फ्यूल इस बोरॉन से बनता है। फिर आते हैं तो फ्लेम रिटार्डेंट्स। हाँ, ये फ्लेम्स इसके ऊपर लगाओ तो इसे कुछ नहीं होता, इसीलिए इसे रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि रॉकेट में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो ये बीच रास्ते में ही नहीं फटेगा, तो अपने कंट्री को कुछ नहीं करना, बाहर जाके कहीं फटना है। ओके, तो चलिए आपको बोरॉन के ऊपर इतनी जानकारी मिल चुकी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।